नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। तराना में गुराड़िया गुर्जर सोसाइटी में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा, सैंपल के नाम पर किसानों के हक पर डाका। इंदौर में फरार आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित, हिट एंड रन में कई लोगों को किया था घायल। ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियारों को पुलिस ने किया बरामद। भोपाल के कोलार में 9 दिन का टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को लेकर किया आश्वस्त। उज्जैन जिले के तराना में मागडोन क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां नांदेड़ रोड पर ग्रामको वेयरहाउस पर गुराड़िया गुर्जर सोसाइटी में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जानकारी के अनुसार सेक्रेटरी सिद्धू सिंह एक ट्राली से 4 किलो गेहूं सैंपल के नाम पर लेकर किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर किसान लाड सिंह गुर्जर ने वीडियो बनाकर जानकारी मांगना चाही, तो सेक्रेटरी और उसके लड़के ने किसान को डरा धमका कर बाहर कर दिया। इसके बाद जब इस मामले में खबर 100 के रिपोर्टर अर्पित बोड़ाना ने सेक्रेटरी सिद्धू सिंह से मोबाइल पर बात करना चाही, तो उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने उचित जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे का आतंक देखने को मिला था। यहाँ बीजेपी नेत्री के बेटे ने देर रात काफी आतंक मचाया था, जिससे हिट एंड रन का मामला सामने आया था। दरअसल आजाद नगर से लेकर मांगलिया चौराहे के बीच तक आरोपी फैजल पटेल ने कई लोगों को टक्कर मारी थी और बाद में आरोपी अपनी कार छोड़कर फरार हो गया था। अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नाकामी ही पुलिस के हाथ लग रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल एसपी ने आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। दो दिन पहले लगभग रात को 11 बजे थाना आजाद नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा नशे की हालत में तेज गति से गाड़ी चलाते हुए लगभग 3-4 लोगों को घायल किया था। उस पर से पतारसी करते हुए वो व्यक्ति फैजान नामक व्यक्ति था, जिसकी तलाश करते उसकी गाड़ी तो पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस के कब्जे से बाहर है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगभग 5-10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी की पतारसी के लिए टीमें लगी हुई हैं, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, संभवतः जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 तस्करों और 2 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए 6 आरोपियों के पास से 32 बोर की 7 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी तस्करों से पूछताछ कर रही है और इनके पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। क्राइम ब्रांच ग्वालियर को आज एक बड़ी सफलता मिली है। इसने 6 आरोपियों को राउंडअप किया है और उनसे तलाशी के दौरान 7 अवैध पिस्टल जब्त हुई है। एसपी सर, ग्वालियर की जो लगातार मुहिम अपराधियों के विरुद्ध चल रही है, उसी कड़ी में ये एक सफलता है। एक मुखबिर से सूचना मिली थी, उसकी तस्दीक क्राइम ब्रांच के जो TI विजय भदौरिया साहब हैं, उन्होंने अपनी टीम से कराई और फिर थाना प्रभारी क्राइम पप्पू यादव, उनकी पूरी टीम ने लग के बड़ी मेहनत से इन आरोपियों को राउंड अप किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। 6 आरोपी हैं। ये लोग अमूमन और भी जितनी यहाँ अवैध हथियारों की कार्रवाई हुई है, तो खरगोन और खंडवा तरफ से लाते हैं और ये भी खरगोन से लेके आ रहे थे और यहाँ ग्वालियर में इनको बेचना था, कुछ बेची भी हैं। तो ये 25,000 रुपये में, ऐसा पता लगा, 20 से 25,000 रुपये में ये सौदा करते हैं। भोपाल के कोलार में 9 दिनों के लॉकडाउन के चलते व्यवस्थाओं को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आश्वस्त किया है कि कोलार 9 दिनों के लिए कंटेनमेंट एरिया जरूर है, लेकिन वहाँ राशन, दूध, सब्जी और मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा यहां होम डिलीवरी सेवा भी जारी रहेगी। इसी के साथ 2 दिनों के टोटल लॉकडाउन को लेकर भी भोपाल कलेक्टर ने बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं इस मौके पर अविनाश लवानिया ने क्या कहा।
कुलार को लेके मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, 9 दिन का कंटेनमेंट एरिया ज़रूर है, लेकिन सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, दूध की बात हो, सब्जियों की बात हो, सभी चीज़ों की व्यवस्था उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरीज जो हैं वो पूरी तरह जारी रहेंगी। तो यदि राशन की इस प्रकार की भी कोई अगर लोगों की रिक्वायरमेंट है, हालांकि ये पूर्व से अनाउंस्ड कंटेनमेंट है तो लोगों ने ऑलरेडी व्यवस्था कर ली होगी, लेकिन फिर भी इस दौरान भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए तो होम डिलीवरी के माध्यम से सब लोग मंगा सकते हैं। भोपाल की बात करें, भोपाल जिले की बात करें तो अब क्या व्यवस्था की जा रही है? नहीं देखिए, 2 दिन के लॉकडाउन में किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इट्स ओनली सैटरडे संडे लॉकडाउन, तो केवल दूध की आपूर्ति पूरी हो जाए उसके लिए पार्लर सुबह 2 घंटे खुलते हैं, शेष सभी व्यवस्थाएं और आपूर्तियां जो हैं वो लोग अन्य 5 दिनों में करके रख लेते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।